हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि अक्सर पी ब्लॉक की रिएक्शन से बच्चे दूर भागते हैं और वो बार बार कहते हैं सर मैं याद करता हूँ और भूल जाता हूँ और मेरे से आंसर नहीं बन पाते हैं। तो ऐसा एक तरीका लेकर आया हूँ मैं, और वो तरीका अप्लाई करोगे तो पी ब्लॉक की बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं बिना रटे हुए आप आंसर निकालने लगेंगे। आपने पाया होगा कि 13 से लेकर 18 ग्रुप तक पूरे पी ब्लॉक में हैलाइड्स और ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस बहुत सारी हैं, और हम हर केस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद कर रहे हैं और लिख लिख के देख रहे हैं और भूल जाते हैं। लेकिन ये समस्या ऐसा मान लें कि आज के बाद दूर हो गई, क्योंकि हम चाहते हैं केवल मुझे एग्जाम में क्वेश्चन मिले और मैं उसी समय अपना आंसर बनाऊँ और वो भी सही बनाऊँ। तो बच्चों, एक ज़बरदस्त बात लेकर आया हूँ मैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, पी ब्लॉक कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, हालांकि देखिए ये टॉपिक बहुत बड़ा है। जब हम लॉन्ग ईयर क्लासेस में पढ़ाते हैं तो विद मैकेनिज्म और कई सारी बातें होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में परीक्षा हॉल में हमें तुरंत आंसर देना होता है और वहाँ ये की पॉइंट्स या ट्रिक्स ही काम आने वाली हैं। पॉइंट ये है बच्चों, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है? मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग, मतलब वाटर की प्रेजेंस में टूटना हाइड्रोलिसिस है। या मैं ऐसा बोल दूँ कि वो रिएक्शन जिनमें वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ ऑर्गेनिक में नहीं, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी यूज़ होते हैं। आज आप एक जोरदार सी बात सुनने वाले हैं कि इनऑर्गेनिक हैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस भी SN1 और SN2 के थ्रू जाते हैं, ध्यान रहे। तो ये बात बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपन ट्रिक्स से आंसर निकालें। तो मैंने भी बोला कि हाइड्रोलिसिस का मतलब है उन रिएक्शंस में जिनमें वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, वो रिएक्शन हाइड्रोलिसिस है। लेकिन यदि मैं वाटर की जगह कोई अदर सॉल्वेंट ले लूँ तब उसी रिएक्शन का नाम सॉल्वोलिसिस पड़ जाता है। तो मैंने अभी भी एक पॉइंट बोला है कि इनऑर्गेनिक का हाइड्रोलिसिस भी दो तरह से होगा, SN1 के थ्रू, SN2 के थ्रू। अब बात आई मैं कैसे पहचानूं, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा हूं कि जब भी इनऑर्गेनिक हैलाइड का हाइड्रोलिसिस हाई टेम्परेचर पर दिया हुआ, SN1 मैकेनिज्म बता देना, और टेम्परेचर मार्क नहीं है या सिंपली कह रखा हो रूम टेम्परेचर है या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आप SN2 बताना है। तो मान लीजिए मुझे मैकेनिज्म का टाइप पूछ ले तो उसका मैंने इलाज कर दिया है कि हाई टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर सारा हाई टेम्परेचर मानना है, उस समय आप SN1 के थ्रू बताएंगे और अदरवाइज आप SN2 के थ्रू बताएंगे। अब एक ज़बरदस्त मैं पॉइंट बोल रहा हूँ बच्चों कि कुछ केसेस में हम नो रिएक्शन लिखेंगे हाइड्रोलिसिस में और कुछ केसेस में हम प्रोडक्ट बना देंगे। तो हाइड्रोलिसिस की कंडीशन क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने अभी बोला कि वाटर यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब मेरा रिएक्टेंट इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल का काम होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तभी होंगे जब आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। सबसे बड़ी बात है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले के पास यदि वैकेंट ऑर्बिटल है तो हाइड्रोलिसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ केसेस में कुछ अलग फैक्टर भी काम करते हैं जो एग्जांपल्स के थ्रू आ जाएंगे। ये कंडीशन ध्यान रखना बच्चों, रिएक्टेंट के पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होना चाहिए और वहां वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया हो, क्लियर? तभी तो वाटर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपस में इंटरेक्ट होकर प्रोडक्ट बनाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, 13 से लेकर 18 ग्रुप के हैलाइड और ऑक्साइडों की बात कर रहा हूं और उनके मैं प्रोडक्ट्स बना रहा हूं बिना रटे हुए। सबसे बड़ी बात है बिना रटे हुए, और ये समस्या जो आपके साथ बनी हुई थी मेरे ख्याल में आज के बाद दूर हो जाएगी और आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे बच्चों, मैं 13 ग्रुप से स्टार्ट हो रहा हूं, 13 से अपन 18 तक जाएंगे, और मैंने 13 ग्रुप में एक बात लिखी, समझना उसको। मान लीजिए मैं 13 ग्रुप में BCl3 की बात करता हूं, मुझे इतनी सी प्रॉब्लम मिलती और कुछ नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर, इतना ही तो लिखा होता है। आपको पता होना चाहिए यहां वैकेंट ऑर्बिटल है। बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है सर क्लोरीन के पास भी तो 3D वैकेंट ऑर्बिटल है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट निकल गई है। अब एक बात सोचो कि बोरोन क्लोरीन बॉन्ड में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ध्यान रहे यहां डेल्टा पॉजिटिव और यहां डेल्टा नेगेटिव चार्ज है बच्चों। तो ध्यान रहे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है, नॉट ये तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, यहां डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां से तो वाटर रिपेल होगा, ध्यान रहे। मेरा पॉइंट पकड़ में आया हो? तो ये यही पॉइंट सीखने वाला है कि इलेक्ट्रॉन आखिर मिलेंगे किसको। तो मैंने एक वर्ड बोला था अभी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है जिसमें डेल पॉजिटिव आएगा, और जिसपे डेल पॉजिटिव आएगा ना
वहां वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, अदरवाइज एड्रोलिसिस नहीं होने वाला। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया होगा? अब एक की पॉइंट आ रहा है, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। जब भी हाइड्रोलिसिस मान लो पॉसिबल हो गया, जैसे यहां पॉसिबल है, तो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वाटर से, उस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बना दो। देखिए, मेरा सबसे इनऑर्गेनिक का पहला वीडियो ऑक्सी एसिड पे इसीलिए मैंने बनाया था क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में बार बार ऑक्सी एसिड काम में लेने वाला हूं। यदि आपको ऑक्सी एसिड नहीं पता है, इनऑर्गेनिक का मेरा पहला वीडियो देखें, उसमें आप ऑक्सी एसिड समझने लगेंगे। मैंने अभी एक पॉइंट बोला है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का मुझे ऑक्सी एसिड बनाना है, बात खत्म। मुझे पता है BCl3 में बोरोन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और बोरोन का इकलौता एक ऑक्सी एसिड मैंने आपको लिख के दिया था H3BO3, जिसमें बोरोन की ऑक्सीजन स्टेट प्लस 3 है। ये मेरा आंसर है बच्चों। इसका मतलब सेंट्रल एटम का तो ऑक्सी एसिड बनाना है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का। दिमाग में एक बात हमेशा के लिए सेव कर लो बच्चों, इनऑर्गेनिक में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के दौरान कभी भी सेंट्रल एटम की ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं करनी, कभी भी नहीं, सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनाना है। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया होगा? अब एक पॉइंट है कि जिसने लोन पेयर नहीं लिए उसका क्या होगा? तो याद करो, मेरे ऑक्सी एसिड वाले वीडियो की स्टार्टिंग इसी बात से हुई थी कि एसिड इनऑर्गेनिक में अपन दो तरह के बोलेंगे, हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिए, ये सबसे अच्छा पॉइंट है, उसका तो बनाना है ऑक्सी एसिड, और जिसने इलेक्ट्रॉन नहीं लिए उसका बनाना है हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड में क्या होगा, उस नॉन मेटल पे मैं डायरेक्ट हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। तो ये लीजिए, क्लोरीन का हाइड्रा एसिड क्या होता है, HCl। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। क्या रटना है इसको? इस एग्जाम्पल में मैंने समय लगाया क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल था। आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी, यही तो पॉइंट है जो आपको अलग बनाएंगे, और जो अलग बनता है वो रिजल्ट लेकर आता है। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉमन बातें कभी भी डिफरेंस नहीं लाती है बच्चों, अनकॉमन बातें डिफरेंस लाती हैं, और हमें अनकॉमन बातों को सीख कर ही आगे निकलना है। ये मेरा पहला एग्जाम्पल हो गया है। 13th ग्रुप की मैंने बात कर ली है बच्चों, मैं 14th ग्रुप में आ रहा हूं। एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं इतने सारे लिखूंगा तो मेरे ख्याल में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको मैंने हिंट दे दिया, अब आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से डरना बंद कर दें और उसका प्रोडक्ट बनाएं। 14th में अपन 11th क्लास से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं कि CCl4 पे वाटर की रिएक्शन दी और SiCl4 पे वाटर की रिएक्शन दी, हमारे से प्रोडक्ट पूछता है। और मैंने एक बात मार्क की है स्टार्टिंग में आज ही कि कुछ मार्क नहीं, तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। RT का मतलब मेरा रूम टेम्परेचर है, RT का मतलब मेरा रूम टेम्परेचर है। अब देखना जोरदार सी बात, CCl4 में क्लोरीन पे वैकेंट ऑर्बिटल है लेकिन वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है बच्चों? मेरा कार्बन, और उस पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वाटर से ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जबरदस्त बात है, आंसर नो रिएक्शन। क्लियर है मेरी बात? SiCl4 में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सिलिकन है और वहां वैकेंट 3D होता है, ध्यान रहे, यहां 3D खाली पड़ा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन देगा वाटर। जितनी लोगों ने सब गायब कर दो, मेरा ऑर्गेनिक वाला वीडियो भी काम कर रहा है, सोनेक सिंगल बॉन्ड से लगी होती है उसको हटा दिया करो। ये एक्सिट है, सिंगल बॉन्ड से लगी हटा दिया, यहां OH आ गए, सिलिकन पे 4 OH आ गए, ये लो SiOH का होल 4 बन गया, सिलिसिक एसिड बन गया और Cl के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। मेरा आंसर हो गया। क्या याद करना है इन चीजों को, क्यों तनाव लेते हैं, चीजों को समझें। इस बहुत शानदार सब्जेक्ट है ये, यदि आप कंसेप्ट पकड़ लेते हैं, की पॉइंट्स आपको आते हैं, तो ये चीजें बहुत ईजी हैं। मैं 14th ग्रुप तक आ गया, मैं 15th ग्रुप की बात कर रहा हूं बच्चों। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत जबरदस्त बातें हैं, बहुत जबरदस्त। सबसे पहली बात है कि NF3 जो है और NCl3 है, इन दोनों की बात करना चाहता हूं। रूम टेम्परेचर पे नो रिएक्शन, क्यों नहीं है बात करेंगे। और इस पे मैंने वाटर का अटैक करवाया, वाटर लिखा नहीं मैंने, अब लिख दिया है। रूम टेम्परेचर पर मैं रिएक्शन करवा दूंगा, ध्यान रहे। हुआ क्या, हुआ क्या, यहां इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मेरा नाइट्रोजन है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। कोई ये भी सोचे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन होता है यार, जिस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही हो, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही हो। NF बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या फ्लोरीन की तरफ नहीं जाएंगे क्या? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन पे डेल पॉजिटिव आना है, इसलिए उसको मैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल रहा हूं। तो मेरे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर
वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, और यहां नहीं है, इसे रूम टेम्परेचर पर नो रिएक्शन। हाई टेम्परेचर पर दे रखी हो जाएगी, हाई टेम्परेचर पर सीसीएल 4 भी देता है। बहुत सी बुक्स के अंदर सीसीएल 4 पे वाटर की रिएक्शन 500 डिग्री सेल्सियस पे पूछी हुई है, और मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला है कि हाई टेम्परेचर पर SN1 के थ्रू होगी और उस समय रिएक्शन हो जाएगा। तो मैंने लिखा है रूम टेम्परेचर पर नो रिएक्शन, लेकिन इस पे वाटर की रिएक्शन और हाई टेम्परेचर लिख दे, येलो टेम्परेचर हाई कर दिया, तो आप कर सकते हैं। उस समय इसकी मैकेनिज्म SN1 बतानी है बच्चों। और मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्यों बनेगा, क्योंकि इस बार एक NF बॉन्ड जो है ना, NF बॉन्ड ब्रेक होगा, उससे NF2 पॉजिटिव आ जाएगा, नाइट्रोजन पे वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, ऑक्सीजन लोन पेयर दे देगी, मतलब वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, और NF3 में नाइट्रोजन +3 था, तो +3 का ऑक्सीएसिड नाइट्रोजन का कौन होता है बच्चों, HNO2। ये लीजिए, मैं डायरेक्ट ऐसे ऐसे एग्जाम में आंसर नहीं बनेगा, डायरेक्ट आंसर बनाओ HNO2 बन गया। और एक बात मैं बोलूंगा, HNO2 अनस्टेबल होता है, इसलिए वो ब्रेक हो जाता है N2O3 में। तो बहुत सी बुक्स में NF3 के हाइड्रोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट N2O3 दे रखा है, क्योंकि HNO2 जिसको अपन नाइट्रस एसिड बोलते हैं वो अनस्टेबल होता है। इसीलिए ऑर्गेनिक में डाई एजोटिजेशन रिएक्शन जब आती है ना, एनिलीन के ऊपर NaNO2 प्लस HCl की जब अपन रिएक्शन कराते हैं, तो उन दोनों के रिएक्शन से अपन हाथों हाथ HNO2 को प्रिपेयर करते हैं। और जो चीजें हाथों हाथ प्रिपेयर की जाती है, इसका मतलब वो मुझे स्टेबल फॉर्म में नहीं मिलती, ये कारण है, वरना डायरेक्ट अपन HNO2 लिख देंगे ना, वहां अपन NaNO2 HCl क्यों लिखते हैं, कि उन दोनों के रिएक्शन से HNO2 बनता है, क्योंकि वो अनस्टेबल है, इस फॉर्म में मिलता नहीं है। तो एक अच्छा पॉइंट है, कुछ बुक्स के अंदर HNO2 आंसर दिया है, लेकिन ज्यादातर बुक में इसका आंसर हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट N2O3 दिया हुआ है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने ऑक्साइड बना दिया है। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया होगा, ध्यान रहे मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं, और दो बहुत जबरदस्त कंपैरिजन हो रहे हैं, और एक बहुत सुपर्ब क्वेश्चन आ रहा है कि NCl3 का हाइड्रोलिसिस और PCl3 का हाइड्रोलिसिस मुझसे पूछ लिया, और कुछ भी मार्क नहीं, मतलब रूम टेम्परेचर, समझते जाना बच्चों, बड़ी जोरदार बात है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है, और फास्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ऑक्सी एसिड में मैंने बता रखा है तुम्हें कि +3 का फास्फोरस का ऑक्सी एसिड H3PO3 है। ये मेरा आंसर, डायरेक्ट आंसर बनाना होता है बच्चों। इसमें नाइट्रोजन और क्लोरीन में से देखिए, नाइट्रोजन पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, क्लोरीन पे 3D वैकेंट पड़ा है, उसमें लोन पेयर जाएगा क्लोरीन वाटर वाला, और क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट +1 है, तो +1 का एसिड जो है ना, हैलोजन का क्लोरीन का HOCl है, हाइपोक्लोरस एसिड, और साथ में अमोनिया बन जाएगी। और इस केस में पता क्या हुआ, फास्फोरस के ऊपर तो क्या है OH, क्योंकि मैं फिर बोल दूं बच्चों, जिसने वाटर से लोन पेयर लिया उसका ऑक्सी एसिड बनाना है, फास्फोरस वाटर से लोन पेयर ले रहा है, फास्फोरस पे OH जोड़ना है, इसमें क्लोरीन वाटर से लोन पे जाए, क्लोरीन पे OH जोड़ना है, और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनाना है, इसका वाला साथ में बन गया HCl। तो देखो कितनी जबरदस्त बात है कि नाइट्रोजन का ट्राइक्लोराइड हाइड्रोलिसिस पे अमोनिया देता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, जबकि फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड हाइड्रोलिसिस पे अमोनिया नहीं देता, HCl देता है। कारण यह है, दोनों के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अलग अलग है। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया होगा बच्चों। अब मैं चाहता हूं कि PCl5 आ जाए और वाटर की रिएक्शन आ जाए, आपको आंसर बनाना ना चाहिए, कितना आसान है, जो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी का ऑक्सी एसिड बना देना, आंसर हो जाएगा, कितना इजी है। मेरी बात पकड़ में आ गई होगी, ये 15th ग्रुप हो गया बच्चों अपना, मैं 16th पे जा रहा हूं, 16, 17, 18 बाकी हैं, सीखना उनको। देखिए 16th ग्रुप में सल्फर का जो हैलाइड है अपना, सल्फर टेट्राफ्लोराइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है ना बच्चों, उनके हाइड्रोलिसिस पे मुझे प्रॉब्लम मिलेगी, और हमें केवल समझना है। अब एक बात आई कि मैंने अभी सल्फर का हेक्साफ्लोराइड बोला है, क्या सल्फर का हेक्साक्लोराइड पॉसिबल है, क्या HCl6 होता है क्या? अपने आप सोचकर मुझे कमेंट्स में आंसर देना, होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता। मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। ये लो, मैं 16th ग्रुप पे आ गया हूं बच्चों। SF4 पे वाटर की रिएक्शन है और SF6 पे वाटर की रिएक्शन है, कुछ मार्क नहीं है, रूम टेम्परेचर ही है,
प्लस फोर है, प्लस फोर का एसिड सल्फर का होता है H2SO3। ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। क्या याद करना है, इन चीज को समझ लो ना मेरे से। इस वीडियो को दो बार देखें और पेन और कॉपी लेके बैठे मेरे रिजल्ट्स में, फटाक से समरी लिख लें और उनको याद करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। काम हो गया समझे। यहां प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है और प्लस सिक्स वाला एसिड H2SO4 होता है बच्चों, लेकिन नहीं बनेगा। ये बात जोरदार है, ये बात जोरदार है, ध्यान रहे। तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कुछ केसेस में कुछ अलग फैक्टर भी काम करेंगे। अब एक बात सोचो कि SF6 में सल्फर को 6, सल्फर ये साइज का है मान लो, और सल्फर को 6 फ्लोरीन ने, ये लो 6 फ्लोरीन ने सराउंड कर लिया। अब वाटर से लोन पे लेना, तो वाटर से आप बॉन्ड भी तो बनाएंगे, तो सातवें मॉलिक्यूल के सल्फर पे अटैचमेंट की संभावनाएं नहीं है ड्यू टू स्ट्रिक क्राउडिंग, स्ट्रिक एंड्रेंस, त्रिविम बाधा, कुछ भी बोल दें। वाटर का मॉलिक्यूल सल्फर तक अप्रोच ही नहीं कर पाएगा क्योंकि 6 फ्लोरीन ने सल्फर को बहुत बुरी तरह से सराउंड कर रखा है, इसलिए SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन सल्फर के नीचे जो सिलेनियम है SeF6, टेल्यूरियम है TeF6, इन पे वाटर की रिएक्शन आ जाए, आप करवा दें सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीएसिड बना देना। ऐसा आखिर क्यों हुआ? इनके साइज बढ़ गए, साइज बढ़ गए तो 6 फ्लोरीन जब उसको घेरते हैं तो कुछ जगह रह जाती है वाटर के मॉलिक्यूल के पास आने की, और फिर वो लोन पेयर दे देगा। तो इनके आंसर खुद बनाना, सिमिलर प्लस 6 के इनके एसिड बनाने, कोई दिक्कत नहीं है। जो सल्फर का प्लस 6 वाला H2SO4 होता है तो वैसे इनका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरा 16th ग्रुप हो गया बच्चों। 17th ग्रुप पे आ रहा हूं मैं, लेकिन एक क्वेश्चन यहां बनता है कि आपको SF6, SeF6 और TeF6 देखकर वो हाइड्रोलिसिस का रेट कंपेयर करवा लेगा, तो इसका हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं। और डाउन ना ग्रुप में जा रहा हूं ना बच्चों, तो क्राउडिंग कम होती जा रही है तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ता जा रहा है। ध्यान रहे, इन तीनों में SF6, फिर SeF6 और फिर TeF6, ये रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है। ये भी अच्छी किताबों में क्वेश्चन मिलेगा, और कारण मैंने बता दिया है। डाउन द ग्रुप ध्यान रहे, क्राउडिंग डिक्रीज होने से इस केस में वाटर के मॉलिक्यूल के अटैक की संभावनाएं बढ़ गई, वाटर के मॉलिक्यूल को जोड़ने का स्पेस मिल गया, इसलिए रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ गया। 17th ग्रुप में आपने एक नाम सुना है बच्चों, पी ब्लॉक में इंट्रा हैलोजन कंपाउंड, दो डिफरेंट हैलोजन्स के कॉम्बिनेशन से बने कोवेलेंट कंपाउंड इंट्रा हैलोजन कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे मैंने ICl लिख दिया, जैसे मैंने ClF लिख दिया, मैंने ClF3 लिख दिया, BrF3 लिख दिया, ClF5 लिख दिया, ये सब इंट्रोलोजनी तो हैं। इस पे मान लो वाटर की रिएक्शन आ गई, सब पर वाटर की आ गई, मैं एक का आंसर बना देता हूं, बाकियों के आंसर खुद बनाकर देखना। ये लीजिए, सब पर वाटर की रिएक्शन लिखी मैंने। एक बात सोचो, इन दोनों में से इसकी एन ज्यादा है तो यहां डेल पॉजिटिव आएगा, यहां डेल पॉजिटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल पड़ी है। इन दोनों में से इसकी एन ज्यादा है, यहां डेल पॉजिटिव आएगा, यहां डेल पॉजिटिव आएगा, यहां वैकेंट ऑर्बिटल भी है और क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट +3 है। सबको पता होगा हैलोजन के 4 ऑक्सी एसिड होते हैं, जिन क्लोरीन के लिख रहा हूं HOCl, HClO2, HClO3 और ये लीजिए बच्चों HClO4। मजेदार बात है, +1 है हैलोजन की ऑक्सीजन स्टेट, +3 है, +5 है, +7 है। अब मुझे पता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 में क्या होता है HClO2, ये लो मेरा आंसर हो गया खत्म। ऐसे इनके आंसर बना के देखना। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है, जो वाटर से लोन पे लेगा उसका ऑक्सी एसिड बनाना है, और जो उसकी ऑक्सीजन स्टेट है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाना है। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया। ये 17th ग्रुप में इंट्रालोजन कंपाउंड का एलोजिनेशन हो गया। अपन 18th पर आ गए हैं बच्चों। 18th में बार बार प्रॉब्लम एग्जाम में आती है, 18th ग्रुप में, और सबने एक बात सुनी है, जीनोन के फ्लोराइड जो हैं, 3 है अपने पास, XeF2, XeF4 और XeF6। बच्चों बहुत बार ये तीनों रिएक्शंस एग्जाम में आई हैं, बहुत ही बार। इनके प्रोडक्ट्स ध्यान रखें, इनके रिजल्ट्स ध्यान रखें। ध्यान रहे,
इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, और इसका हाइड्रोलाइसिस स्टेप वाइज होता है। तो याद करने का तरीका, मैंने आरडीएस बना रखा है, जैसे आरडीएक्स होता है वैसे आरडीएस, आर फॉर रेडॉक्स, डी फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन और एस फॉर स्टेप वाइज। एक बात सुनना कि हेलोजेंस के इनर्ट गैसेस के अपने ऑक्सी एसिड्स नहीं हैं। क्यों नहीं है? कारण होते हैं, इनके केवल अपन ऑक्साइड बना सकते हैं या इनर्ट गैस खुद फ्री हो सकती है। इस केस में जीनॉन, एचएफ और ऑक्सीजन प्रोडक्ट बनता है। इस केस में XeO3, देखिए प्लस 6 है तो प्लस 6 का ऑक्साइड बना दो और प्लस क्या बन जाएगा, एचएफ बन जाएगा। इस केस में प्लस 4 है। मैं एक बात बता दूं कि जीनॉन के दो ही ऑक्साइड होते हैं, XeO3 और XeO4, ये तो है प्लस 6 में, ये है प्लस 8 में, तो प्लस 6 में था, प्लस 6 वाला ऑक्साइड बना दिया, प्लस 4 का कोई ऑक्साइड नहीं है, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, जीनॉन बनाएगा, XeO3 बनाएगा, साथ में HF बन जाएगा। ध्यान रहे, डिस्प्रोपोर्शनेशन के प्रोडक्ट आपको पता होने चाहिए। तो जीनॉन के फ्लोराइडों का हाइड्रोलिसिस आपको आना चाहिए बच्चों। मेरे ख्याल में मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक लास्ट एंड फाइनल बात और बोल दूं, फिर मैं ऑक्साइडों के हाइड्रोलिसिस की बात करूंगा आपको। मैंने एक बात यहां बताई कि 16th ग्रुप के इन फ्लोराइड के हाइड्रोलिसिस का रेट कंपेयर करवाएगा। वैसे ही एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ हैलाइडों के फॉर्मूले लिखे होंगे और आपसे वो उनका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछेगा, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। मैं क्वेश्चन लिखकर बात करता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे BCl3, मुझे PCl5, मुझे SiCl4, ये तीन कंपाउंड ही मिल गए, और मान लीजिए BeCl2, ये लो, हालांकि ये पी ब्लॉक का नहीं है, एस ब्लॉक का, लेकिन हम जानते हैं फजान रूल से इसमें भी कोवेलेंट करेक्टर है। मुझे मान लो ये चार फॉर्मूले देखे, उसने रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ लिया। तो ध्यान रहे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, यहां ग्रुप की बात थी लेकिन ये अलग अलग एलिमेंट्स के हैलाइड्स हैं और पीरियड वाइज मैं बात कर रहा हूं। तो इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जितना डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ज्यादा होगा। या ऐसा बोल दो कि सेंट्रल एटम की ऑक्सीजन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, हाइड्रोलिसिस का रेट उतना ज्यादा होगा। यहां +2 +3 +4 +5, पता है मैं क्या बोलने वाला हूं, ए से ज्यादा बी का, बी से ज्यादा डी का, डी से ज्यादा सी का, ये रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है। मेरा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, जिस पर इलेक्ट्रोफिलिक, जिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे डेल पॉजिटिव या उसको उसकी ऑक्सीजन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, उसका हाइड्रोलिसिस का रेट उतना फास्ट होगा। जैसे मान लीजिए मुझे कोई पूछ ले SnCl2 और SnCl4 में से हाइड्रोलिसिस किसका फास्ट होगा, मैं कहूंगा इसका +4 +2। मुझे पूछ लिया गया PbCl2 और PbCl4 में से हाइड्रोलिसिस किसका फास्ट होगा, मैं कहूंगा PbCl4 का, क्योंकि +4। मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक छोटी सी बात कर दूं बच्चों, ऑक्साइड पी ब्लॉक के ऑक्साइडों का हाइड्रोलिसिस पूछे ना, तब भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वही कहानी कि सेंट्रल एटम जिस ऑक्सीजन स्टेट में है, उसी ऑक्सीजन स्टेट का एसिड बना लें। और एक कंक्लूजन दे दूंगा और फिर कुछ क्वेश्चन डाल देता हूं, सॉल्व कर देना। ये लीजिए, एक शानदार बात बता रहा हूं मैं कि मुझे कोई ऑक्साइड मिला, मान लो पी ब्लॉक का, मान लीजिए मुझे N2O3 प्लस वाटर मिल गया, मान लीजिए मुझे N2O5 प्लस वाटर मिल गया, मान लीजिए मुझे P4O6 प्लस वाटर मिल गया, मान लीजिए मुझे P4O10 प्लस वाटर मिल गया, और मुझे SO3 प्लस वाटर मिल गया। कुछ नहीं, ऑक्साइडों का हाइड्रोलिसिस भी पूछे तो सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाना, दैट्स ऑल। +3 का एसिड होता है HNO2, +5 नाइट्रोजन के +5 वाला ऑक्सी एसिड होता है HNO3, +3 समझ में आ गया होगा, +3 वाला एसिड होता है H3PO3, +5 वाला एसिड होता है H3PO4, +6 वाला एसिड होता है H2SO4। कितना आसान है बच्चों, मैंने इस रिएक्शंस को कभी याद नहीं किया है, और वही काम मैं आपके लिए कर रहा हूं कि आप भी इनको याद मत करें, सिर्फ मेरा कंसेप्ट सीखें। एक छोटी सी बात मैं और बोल देता हूं, ध्यान रहे, मुझे NO2 पर वाटर की रिएक्शन पूछ ली, मैंने पाया +4 ऑक्सीजन स्टेट है नाइट्रोजन का,
जबरदस्त बात है। नाइट्रोजन के दो ही ऑक्सी एसिड होते हैं बच्चों, HNO2 और HNO3, +3 और +5 में, +4 का ऑक्सी एसिड नहीं है। पता है इस समय क्या करना है, यदि पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट का ऑक्सी एसिड नहीं है तो जस्ट उससे एक ज्यादा और जस्ट उससे कम वाली ऑक्सी एसिड बना दें, ऑक्सीजन स्टेट वाली ऑक्सी एसिड बना दें, मतलब क्या हुआ इस केस में डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन समझ में नहीं आता है, मेरा वीडियो डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला देखें। इसी सीक्वेंस में मैं इसीलिए चल रहा हूं क्योंकि ये बातें लिंक्ड बेस हैं, सब्जेक्ट को जोड़ना पड़ता है तब जाके वो समझ में आने लगता है। तो मुझे पता है नाइट्रोजन का +4 वाला एसिड नहीं होता, +4 ऑक्सीजन स्टेट में ऑक्सी एसिड नहीं होता, तो इससे जस्ट एक नीचे वाला कौन होता है, HNO2 आंसर बनेगा। जस्ट इससे ऊपर वाला कौन होता है, HNO3। ये लो बच्चों आंसर हो गया, कितना आसान है, क्लियर है। कुछ क्वेश्चन डाल देता हूं और सॉल्व करके देखना उनको। ये लीजिए, मान लीजिए मुझे Cl2O+ वाटर मिल जाए, Cl2O6+ वाटर मिल जाए, Cl2O7+ वाटर मिल जाए, SO2+ वाटर मिल जाए, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बना देना बच्चों। मेरी बात समझ में आ गई होगी, और मेरे ख्याल में अब पी ब्लॉक की रिएक्शन से डरना बंद करें और इस कंसेप्ट को सीखें, अप्लाई करें और स्कोर निकालें और सिलेक्शन के बारे में सोचें, अपनी रैंक के बारे में सोचें, ना कि नेगेटिव अप्रोच रखें कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा क्या, क्या मेरे कितने नंबर आएंगे। हम एग्जाम से पहले ये बातें सोचकर अपना समय खराब करते हैं। मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंट रहकर, सेल्फ मोटिवेटेड रहकर डेली पढ़ाई करें और एग्जाम को हमें फोड़ना है। ओके, थैंक यू।